हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सब अब रॉयल रंबल से बस 2-3 ही दिन दूर है एंड जैसा कि हमें पता ही है, रोमन रेंस हमें रॉयल रंबल में एक नहीं बल्कि दो दो मैचेस में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। पहला मैच तो होगा एक 30-man रॉयल रंबल मैच एंड दूसरा मैच होगा बैरन कॉर्बिन के साथ एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। बट आप सबको बता दूं, रोमन रेंस के लिए WWE के पास काफी बड़े प्लान हो सकते हैं 30-man रॉयल रंबल मैच से पहले, तो वो क्या कुछ है उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं ऐसे दो सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करने की बात की है रॉयल रंबल से। इसके अलावा स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हुए दो और थिंग्स के बारे में। देन गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले स्मैकडाउन से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको इससे पहले वाले वीडियो में सारी थिंग बताई थी जो कि हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल सकती है, इसलिए अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप सबको बता दूं, उसके बाद WWE इन्हें दो और बड़ी थिंग्स कंफर्म कर दिए कल की स्मैकडाउन के लिए। पहली थिंग ये है, हमें एक फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिलेगा डैनियल ब्रायन एंड ब्रे वाइट के बीच। अब कह सकते हैं ये सेगमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर फिंड नहीं बल्कि फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट होने वाले हैं। लेट्स सी कि आखिरकार WWE इस सेगमेंट में क्या कुछ करवाती है। वहीं बात करें अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने कंफर्म कर दिया है कल की स्मैकडाउन के लिए, तो वो है एक 6-man टैग टीम मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस एंड उसोस वर्सेस बैरन कॉर्बिन, रॉबर्ट रूट एंड डॉल्फ ज़िगलर के बीच। इसलिए कह सकते हैं कि फाइनली ये 6-man टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा इस स्मैकडाउन में जो कि हम सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे एंड रॉयल रंबल से पहले की आखिरी स्मैकडाउन में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वही बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है उन दो सुपरस्टार से जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल मैच से एलिमिनेट करने की बात की है। तो गाइस, इन दोनों सुपरस्टार्स में से पहले सुपरस्टार है NXT UK के वॉल्टर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं वॉल्टर भी काफी हट्टे कट्टे सुपरस्टार है, तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर की एक तरह से तारीफ भी की है। तो उन्होंने कहा है ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा स्मार्ट सुपरस्टार है, वो पार्ट टाइमर होके भी इतने सारे काम कर जाते हैं जो कि फुल टाइमर नहीं कर पाते। एंड उसके बाद उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नंबर 2 पर जाऊंगा एंड एलिमिनेट करूंगा ब्रॉक लेसनर को। एंड उसके बाद उन्होंने फिर से ब्रॉक लेसनर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं एंड जो लोग उन्हें हेट करते हैं वो उनसे सिर्फ जेलस होते हैं क्योंकि वो लोग ब्रॉक लेसनर जितने स्मार्ट नहीं है। अब कह सकते हैं वॉल्टर ने ब्रॉक लेसनर की तारीफ भी की है एंड उन्हें एलिमिनेट करने की भी बात की है रॉयल रंबल मैच से। वहीं बात करें अपने दूसरे सुपरस्टार के बारे में जो कि कभी तारीफ नहीं करता ब्रॉक लेसनर की, तो वो कोई और नहीं, वो है मैट रिडल। देन मैट रिडल पहले काफी बार टारगेट कर चुके ब्रॉक लेसनर को जिसके बाद वो गोल्डबर्ग पर आए, बट अब ये देखकर लगता है कि वो अभी तक ब्रॉक लेसनर का पीछा नहीं छोड़े क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपनी एक पिक अपलोड की जहां पर पीछे देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर का नाम है एंड उन्होंने कैप्शन पर लिखा है कि मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीक WWE देखें। और हम सब नीचे देख सकते हैं उन्होंने हैशटैग में रॉयल रंबल 2020 भी लगाया है। अब यहां से उन्होंने साफ कर दिया कि वो भी चाहते हैं कि वो एलिमिनेट करें ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल 2020 में। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इतने सारे लोग जो कि टारगेट करें ब्रॉक लेसनर को, जैसे कि पहले कीथ ली एंड ड्रू मैकइंटायर ने भी किया था, तो इन सब सुपरस्टार्स में से कौन सुपरस्टार एलिमिनेट करता है ब्रॉक लेसनर को। वही बात करें अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से कि आखिरकार उनके साथ रॉयल रंबल से पहले क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि रोमन रेंस के लिए इतना इजी नहीं होगा मैच रॉयल रंबल मैच में क्योंकि WWE पूरी कोशिश करने वाली है कि जब रोमन रेंस एंट्री ले 30-man रॉयल रंबल मैच में तो उन्हें पूरा क्राउड सपोर्ट कर रहा हो एंड उनके एंट्रेंस म्यूजिक पर एक लाउड चीयर देखने को मिले। अब हो सकता है शायद WWE इसी की वजह से रॉयल रंबल मैच से पहले बैरन कॉर्बिन और रोमन रेंस का मैच प्लान किया हो जो कि एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने वाला है, ताकि इस मैच में हमें जरूर कुछ ना कुछ बड़ी थिंग होते हुए दिखे। अब वो बहुत सारी चीज हो सकती है, अब उन्हीं में से एक चीज जो हमें देखने को मिल सकता है जिसके अच्छे खासे चांसेस है कि जब रोमन रेंस एंड बैरन कॉर्बिन का मैच हो रहा हो देन वो मैच बैक स्टेज चले जाए एंड वहां पर बैरन कॉर्बिन के साथ रॉबर्ट रूट, डॉल्फ ज़िगलर, रिवाइवल एंड उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाए जो कि रोमन रेंस पर स्टील चेयर या फिर किसी और वेपन के सहारे इतने ज्यादा अटैक करे कि उन्हें स्ट्रेचर पे लेटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिसके बाद वहां बैठे क्राउड एंड हम सभी को लगेगा कि अब हमें रोमन रेंस 30-man रॉयल रंबल मैच में देखने को नहीं मिलेंगे, तभी 29 या 30 नंबर पर वो हमें देखने को मिले जहां पर उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं हो एंड वो डायरेक्टली एम्बुलेंस से उतर कर आ रहे हो। और आप सबको पता ही है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वहां बैठे क्राउड एकदम से शॉक हो जाएगी एंड उनके एंट्रेंस म्यूजिक पर हमें लाउड पॉप देखने को मिलेगा और क्या पता इसके बाद हमें रोमन रेंस जीतते हुए भी दिख जाए रॉयल रंबल मैच। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या अभी भी रोमन रेंस बैटिंग ऑर्ड्स में नंबर 1 पर ही है इस मैच को जीतने में, तो आप सबको बता दूं कि हाँ, रोमन रेंस अभी भी नंबर 1 पर ही है, भले ही
उसके नीचे नाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन रोमन रेंस स्टार्टिंग से लेके अब तक बने हुए हैं नंबर वन पर। इसलिए लेट्स सी कि क्या वो रॉयल रंबल जीतते या फिर एंड मौके पर हमें कुछ शॉकिंग थिंग देखने को मिलती है। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है इस साल का रॉयल रंबल किसे जीतना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।